भारत सरकार के निर्देश के बाद सोमवार से जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में पुरुष नसबंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत स्वास्थ्य कर्मचारी पुरुषों को नसबंदी के लिए प्रेरित कर उनकी नसबंदी कराएंगे। शिविर को लेकर सोमवार को जिले के सभी चिकित्सकों की बैठक सीएमएचओ कार्यालय में ली गई। पखवाड़े के प्रचार प्रसार और व्यवस्था के लिए सरकार की ओर से प्रत्येक केंद्र को 1,00,000 रूपए दिए गए हैं। पखवाड़ा 26 नवम्बर से शुरू होकर 10 दिसम्बर तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा संचालित किया जाएगा। इस दौरान जिनकी नसबंदी होगी उन्हें इसका प्रमाण पत्र 3 महीने के बाद जांच कर ही दिया जाएगा। ये जो विशेष आज बैठक बुलाई गई है, पूरे जिले की बैठक बुलाई गई है, इसमें जिले के भी डिस्पेंसरी से सारे मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं और सारे ब्लॉक अधिकारी भी हैं। और आपको विदित होगा कि हम लोग जो है वो 21 तारीख से प्रथम चरण मोबिलाइजेशन सप्ताह, खासतौर से जो हमारा पुरुष नसबंदी पखवाड़ा है उसका आयोजन किए जा रहे हैं। और ये 27 तारीख तक ये इसमें जागरण जन जागरण चलता है, प्रचार प्रसार होता है। हमारा स्टाफ जो है वो सब जगह इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करता है। और उसके बाद 28 से लेकर 4 तक जिले में सभी जगह इस तरह के कैंप आयोजित किए जाएंगे, जहाँ पे विशेष तौर से पुरुष नसबंदी पर ही विशेष जोर दिया जाएगा। और जो जो भी इसमें लाभार्थी जो हैं हमारे कार्यकर्ता हैं, वो उनको प्रेरित करके लेके आएंगे। और उनका जो है वो ये लक्ष्य रहेगा कि प्रत्येक ब्लॉक वाइज हमने उनको लक्ष्य दिया है, हर ब्लॉक से हमने 10-10 का लक्ष्य दिया है। उसके अलावा पीएमओ और जो हमारे शहरी क्षेत्र के डिस्पेंसरी है, इनको भी सबको लक्ष्य दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें हम अच्छा लक्ष्य प्राप्त करेंगे। पूर्व में जो तय था उसके अनुसार पुरुष नसबंदी काफ़ी अच्छी संख्या में हो रही थी, लेकिन गत 2 वर्षों से ये काफ़ी कम हो रही है। और जबकि ये सारा ही काम जो है वो परिवार का महिलाओं को दिया जा रहा है, और पुरुष नसबंदी या पुरुषों का सहयोग इसमें मात्र जो है वो 1.5 से 2% हो गया है, और बाकी सब जो है वो महिलाओं के पास है, मतलब 98% के आसपास। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम अधिक से अधिक पुरुषों को प्रेरित करके नसबंदी के लिए प्रेरित करके लाएँ और उनका ऑपरेशन करवाएँ। आज किन लोगों को बुला लें इसमें? ब्लॉक से और जो हमारे जिला स्तर से भी सारी डिस्पेंसरी के लोग हैं, उसमें आशा भी हैं, और उनके अलावा उनके जो आशा के मैनेजर्स हैं, आशा ब्लॉक फैसिलिटेटर भी हैं। और हम आशाओं के थ्रू भी ये संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें और पुरुष नसबंदी में लोगों को उनको उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, ताकि वो इसके इसमें आगे आएँ। खासतौर से जो महिलाएं बीमार हैं या जिनको कोई और दौरे हैं, या ट्यूबरक्लोसिस का या इस पेट के ऑपरेशन कई बार हो गए हैं, इस कारण से कमज़ोर है, तो उसमें उस केस में पुरुष को प्रेरित किया जाए। उसके लिए चिकित्सा अधिकारी और उनकी टीम बना करके उनको समझाइश करके उनको केस के लिए प्रेरित किया जाए। इसमें 2,000 रुपये हम प्रत्येक केस को देते हैं, और प्रेरक जो होता है उसको हम 300 रुपये की राशि देते हैं। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।